Hello friends, can you hear me? Hello friends, फटाफट आ जाइए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं डिजी मेंटो एजुकेशन चैनल पे। और यहां हम लोग डिस्कस करेंगे आज यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस पेपर के लिए, जो जीएस वन का पेपर उसमें होता है, जीएस पेपर वन जो होता है उसके लिए। इससे पहले हम ऑलरेडी कई सारे पार्ट में एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं, ये प्रैक्टिस सेट है, ये ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस सेट है। एमसीक्यू कई पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी हैप्पी बिहू डिजिटल इन्फोर्टमेंट और साक्षी हेलो, ठीक है, तो आई होप पहले वाले जो पार्ट होंगे उसमें आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ आपने नया सीखा होगा, तो यहाँ पर भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, तो शुरू करें, और भी आ जाने दीजिए, फटाफट सब आ जाएं। ईशान खान, हाय ईशान, कैसे हो? सॉरी, इंशा खान, कैसे हो इंशा? मेरी वॉइस तो क्लियर है ना? फटाफट आ जाइए सब के सब, और जल्दी शुरू करते हैं फिर, ठीक है? मैं बढ़िया, एकदम बढ़िया, फाइन, ठीक। और ठंड हो रही है बढ़िया वाली? ओके, थैंक यू, वॉइस क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, वॉइस क्लियर होनी चाहिए तभी सब कुछ समझ में आता है। सर, आप कौन सा ईयर का पेपर से शुरू किए हैं? देखिए, मैं एक्चुअली क्या है कि कोई ऐसे नहीं कोई पर्टिकुलर ईयर के पेपर से, मैं बस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। और ये डेफिनेटली किसी ना किसी ईयर के पेपर में आए हैं, ठीक। अभी एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हम जीएस का कर रहे हो, जीएस में एक चीज़ मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ अभी, जो आपका कॉम्प्रीहेंशन होता है, कॉम्प्रीहेंशन को मैंने इंक्लूड इसमें नहीं किया है। कॉम्प्रीहेंशन को हम बाद में इंक्लूड करेंगे, मैं सारे के सारे पैसेज जो होते हैं आपके, पैसेज और कॉम्प्रीहेंशन, उसको मैं अलग से आपको समझाऊंगा। ओके, तो जितने पुराने से पुराने क्वेश्चंस मुझे मिल सके मैं उतने उठा लिए हैं अभी तक, ठीक। और बाकी देखते हैं, कम से कम ये कोशिश कर रहे हैं हम कि 10 साल के 10 इयर्स तो कम से कम आपके कंप्लीट करा दें, जितना जल्दी हो सकेगा हम 10 इयर्स तो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और बस क्वेश्चन का मजा लो यार, ये जान के करो कब से, क्वेश्चन का मजा लो, क्वेश्चन बढ़िया मिल रहे ना आपको, हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो शुरू करें, अब तो काफ़ी लोग आ भी गए हैं, शुरू करें। और लोहड़ी की खूब खूब लोहरी और पीहू की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके भेज रहा हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके ये है, क्वेश्चन नंबर 20 इज द फर्स्ट क्वेश्चन आज का, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी 19 तक डिस्कस कर लिया था, अब आगे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यूज ऑफ रेडियो फॉर हायर एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन ऑफ, ठीक। तो ऑप्शन आपके सामने है, एनरिचिंग सर्कुलम्स बेस्ड इंस्ट्रक्शन, बी रिप्लेसिंग टीचिंग इन द लॉन्ग रन, सी एवरीबॉडी हैविंग एक्सेस टू ए रेडियो सेट, या ऑप्शन डी अदर मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन गेटिंग आउटडेट, या आउटडेटेड, बताइए। 1 मिनट लीजिए, पूरा 1 मिनट लगाइए क्वेश्चन में, पढ़िए समझिए और उसके बाद आंसर कीजिए, होप आप बेटर आंसर कर पाएंगे। एनरिचिंग सर्कुलम बेस्ड ऑफ बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, रिप्लेसिंग टीचिंग इन द लॉन्ग रन, एवरीबॉडी हैविंग एक्सेस टू ए रेडियो सेट, यूज ऑफ रेडियो फॉर हायर एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेजम्पशन ऑफ, ओके, डिजिटल इंफॉर्मेशन कह रहे हैं सी, एक का आंसर आया है सी, ठीक है, डिजिटल इंफॉर्मेशन का आंसर आ गया। एनीबॉडी कोई और आंसर देना चाहेगा, फटाफट आंसर दीजिए, जिसका भी जिसको भी आंसर का आइडिया है वो आंसर दीजिए फटाफट। देखो, कोशिश किया करो आंसर देने का, अगर आंसर गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, यहां अगर सही गलत नहीं करोगे तो आगे जाकर सही करने की उम्मीद मत करना, ठीक है। यहां अगर गलत कर दिए तो कम से कम यह कि आगे जाकर वो गलती नहीं कर पाओगे। आयुषु शर्मा, हेलो आयुषु, मनीषा माही कह रही हैं सी, साक्षी कह रही हैं सी, डिजिटल इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं सी, ऑलरेडी सभी का आंसर सी आ रहा है, क्या बात है।
सभी सी के पीछे पड़ गए हैं, तो सी को हम लॉक कर दें। तो कंप्यूटर जो लॉक किया जाए सी को, इंशा खान भी कह रहे हैं सी, एवरीबडी हैविंग एक्सेस टू ए रेडियो सेट इज द करेक्ट आंसर। तो कंग्रेचुलेशन, आज आपने पहले ही क्वेश्चन से, डॉक्टर बकरवानी आपने पहले ही क्वेश्चन से आज सही शुरुआत कर दी है। आई होप अगर हम कौन बने करोड़पति खेल रहे थे तो आप 5 करोड़ जीत के जाते यहाँ से, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ आंसर ही जीत जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है द फंक्शन ऑफ मेजरमेंट इंक्लूड्स, बताइए प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस, प्रिडिक्शन या ऑल ऑफ द अबव, बताइए। 1 मिनट ले लीजिए चाहिए तो, 1 मिनट से ज्यादा मत लगाना, बस इतना कोशिश किया करो। अरे ए प्रोग्नोसिस, और इंशा खान कह रहे हैं ए, दो लोगों ने ए को चूज किया है, एनीबडी, दो लोगों ने ए को चूज कर लिया है ऑलरेडी, और बताइए। डिजिटल इन्फोर्टमेंट कह रहे हैं डी, ओके, और कोई, मनीषा माही कह रहे हैं डी, दो लोगों ने डी को चूज कर लिया है, यानी कि 2 और 2 हो गया भाई, 2 और 2, ठीक है। कुछ लोग इधर गए, कुछ लोग उधर गए, बाकी देखते हैं कहाँ गए। साक्षी कह रहे हैं डी, तो 3 हो गए डी को मानने वाले, और बड़ी ही अनसमझ की स्थिति आ चुकी है, डी को मानने वाले 3 हैं। और कोई जो डी के साथ जाना चाहेगा या ए के साथ जाना चाहेगा, और कोई लग रहा आंसर नहीं देना पाएगा, ठीक है। चलिए, जिनका आंसर डी है वो इज करेक्ट है, डी आंसर इज द करेक्ट, ये तीनों ही शामिल होते हैं जब फंक्शन होता है मेजरमेंट का, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व कीजिए। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आर बेस्ड ऑन, ठीक, ऑप्शन ए साइंटिफिक रीजनिंग, ऑप्शन बी कस्टमरी रीजनिंग, ऑप्शन सी मैथमेटिकल रीजनिंग, डी साइलॉजिस्टिक रीजनिंग, बताइए। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, यानी कि एक प्रकार से ध्यान रखना तर्क वितर्क, और तर्क वितर्क को बोले हिंदी में शुद्ध में तो बोलते हैं इसको मीमांसा, मीमांसा। डिजिटल इंफोटेनमेंट कह रहे हैं डी, ओके, एक आंसर आ गया है, और कोई, श्रद्धा श्री कह रही है डी, मनीषा माही कह रही है सी, साक्षी कह रही है डी, इंशा खान कह रहे हैं डी, आयुषु शर्मा कह रहे हैं डी, ज़्यादातर लोग डी के साथ गए, एक मनीषा को छोड़ करके, मनीषा केवल सी के साथ गए, मैथमेटिकल रीजनिंग। देखो जहाँ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के ऊपर बात आती है आर्ग्यू, वहाँ ठीक है, वहाँ पे सिलोजिस्टिक रीजनिंग आपकी आती है, जैसे आपने सुना भी होगा रीजनिंग, अगर आपने कभी सॉल्व की होगी सिलोजिस्म, ठीक है, सिलोजिस्म सॉल्व किया आपने, सिलोजिस्म जिसमें क्या होता है दो दो स्टेटमेंट होती है, ठीक है, स्टेटमेंट होती है 4 भी स्टेटमेंट होती है, वो बोलते हैं कि सम कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर कैट्स, फ्यू डॉग्स आर बफेलो, फ्यू बफेलोज आर डॉग्स, इस टाइप से, ठीक है। तो एक प्रकार की रीजनिंग वो ट्रिक है, क्योंकि जो वो सिलोजिस्म लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पहुंचे, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट ही एक छोटे छोटे, ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट ही होते हैं छोटे छोटे टाइप के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 36, सीडी रोम स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओवर मेमोरी, सी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या डी कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी। इंशा खान कह रहे हैं ए, डिजिटल इन्फोर्टमेंट कह रहे हैं बी,
ओके इंशा खान कैसी, आयुष सी, निटल कह रहे हैं सॉरी सी सी, शारदा श्री कह रहे हैं सी, इंशा खान कह रहे हैं सी, ज़्यादातर लोग सी के पीछे पड़ गए हैं। मनीषा माही कह रहे हैं यस सर डी इज़ करेक्ट, डी इज़ करेक्ट। आप मनीषा 36 के लिए कह रहे हैं या पहले वाले कह रहे हैं? आप किसके लिए कह रहे हैं डी इज़ करेक्ट, 36 के लिए या पहले वाले के लिए? इसमें सी करेक्टर सही एकदम। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। चलो देखें अगला क्वेश्चन। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर विच कीप्स पेरिफेरल्स अंडर इट्स कंट्रोल इज कॉल्ड, ऑप्शन ए कॉमन पावर यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डी साक्षी, डी शांति, सब के सब डी कह रहे हैं और डॉक्टर बकरवानी कह रहे हैं सी। अच्छा पहले के लिए था, ओके। हिवाले रामेश्वर आ गए डी, आयुषु शर्मा कह रहे डी। ये क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं, ठीक है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द करेक्ट आंसर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे सिंपल था ये तो, बहुत सिंपल था। सीपीयू इसको बोलते हैं हम। रॉबिन कुमार डी, बहुत बढ़िया रॉबिन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट सॉल्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। डाटा कैन बी सेव्ड ऑन बैकिंग स्टोरेज मीडियम नोन एज, ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कंप्यूटर डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल या कंप्यूटर डेटा रीराइटेबल, बताइए। ओके इंशा खान कह रहे हैं सी, डिटेल कह रहे हैं सी। साक्षी कह रहे सी, मनीषा कह रहे हैं डी, आयुषु शर्मा कह रहे हैं सी, सब के सब ज्यादातर सी कह रहे हैं, मनीषा केवल डी कह रही हैं, कंप्यूटर डेटा रीराइटेबल। देखो यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं उसे, कंप्यूटर डिस्क नहीं बोलते, फिर कंप्यूटर डेटा नहीं बोलते, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं उसे। तो सी एकदम सही है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, सी सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर। रैम मीन्स पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिजिड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी या रिवॉल्विंग एक्सेस मेमोरी, बताइए। ओके साक्षी, ईशान, डिजिटल, रामेश्वर, ईशान, सब के सब ए ए ए कह रहे हैं ए। ओके किसी ने भी आंसर को कतई यहाँ माने क्या है, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। बहुत जल्दी जल्दी दे रहे हो, सही बात है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, बहुत अच्छे। सचिन सिंह ए कह रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, ए ही बोला है। ओके ओके मनीषा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है, गुड गुड गुड। चलिए अगला देखें क्वेश्चन बराबर से, अब फटाफट थम्स अप करके बताइए, मजा आ रहा है क्वेश्चंस में। 39 का ए वक्कर वानी, बहुत बढ़िया था वक्कर वानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 40। WWT रिप्रेजेंट्स हु व्हाट एंड वेयर, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ल्ड वाइड वेब, बताइए। ओके फिर आंसर सब क्या आ रहे हैं, डी डी डी। चलिए इसका मतलब मैं एक बात समझ सकता हूँ, इन टाइप के क्वेश्चन में अब आपके मार्क्स तो नहीं कटेंगे, इनमें तो दिक्कत आपको नहीं होगी कभी भी, है बढ़िया। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे, डी सही एकदम, गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। डिफॉरेस्ट्रेशन ड्यूरिंग द रिसेंट डिकेड्स हैज लीड टू सॉइल इरोजन,
लैंडस्लाइड्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या ऑल द अबव, बताइए। मनीषा माई कह रहे हैं डी, डिटेल इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं डी, ईशान कह रहे हैं डी, ज़्यादातर लोग डी डी को कर रहे हैं। आयुषु शर्मा कह रहे हैं ए, ओके क्यों नहीं का आंसर आया मेरे पास, सॉइल इरोजन ओनली कहा है आयुषु शर्मा ने, ये कह रहे हैं ओनली ए। बाकी ज़्यादातर लोग डी कह रहे हैं, आयुषु शर्मा ए के साथ जाना चाहेंगे। और आयुषु शर्मा, सचिन कह रहे हैं ए एंड बी, ओके ए एंड बी, एक और यूनिक आंसर, लेकिन मैंने ऑप्शन में ऐसा दिया ही नहीं है, ऑप्शन में मैंने ऐसा दिया ही नहीं है ए होगा या ए एंड बी हो, ए तो ठीक है, ए एंड बी तो मैंने ऑप्शन में नहीं दिया। देखो तीनों सही है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी सही है इसमें, ठीक है, अगर बायोडाइवर्सिटी ही खत्म हो जाएगी तो भी आपका डिफॉरेस्टेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन तो भी बढ़ जाएगा आपका, ये ध्यान रखना, ठीक। तो तीनों ही मेजर कंपोनेंट है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के, ये ध्यान रखना, कोई इसमें चेंज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हाईएस्ट ह्यूमन डिजास्टर। ऑप्शन ए अर्थक्वेक, ऑप्शन बी स्नो स्टॉर्म्स, सी वॉल्केनिक इरप्शन या डी सुनामी, बताइए। आयुषु शर्मा डिजिटल इन्फॉर्मेंट बहुत खुश हो भाई, अच्छा आप ही थे ना वो आए जिसने ए दिया था और ए और बी हो रहा था, है? सही है। 42 का बताइए। साक्षी कह रहे ए, ईशान खान कह रहे ए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हाईएस्ट ह्यूमन डिजास्टर। सबके सब कह रहे हैं ए, ओके ओके बहुत अच्छे, अर्थक्वेक सबके सब कह रहे हैं अर्थक्वेक। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बताऊं, इस बार सबके सब गलत हो, इट इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर इज सुनामी, सुनामी इज करेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्यों है समझ लो, ये कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल, ठीक है, सुनामी सबसे पहली बात तो नेचुरल ही है, ठीक, कोई शक नहीं है, हालांकि बाकी भी नेचुरल है, कोई बात नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हाईएस्ट की बात कर रहा है, हाईएस्ट ह्यूमन डिजास्टर। सुनामी जब आई थी तो सबसे ज्यादा लोग इसी में मरे थे, सबसे ज्यादा पूरा तबाह कर देते, कहीं पर भी आती है, देखो अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक छोटी जगह में आया, देखो अर्थक्वेक का क्या होता है कि मान लो अर्थक्वेक से नीचे स्टार्ट हुआ, लेकिन जब वो ऊपर तक आता है तो वो धीमा पड़ जाता है, और जब वो आगे बढ़ता है ना किसी एरिया में आगे बढ़ता है अर्थक्वेक, तो ये कंपन धरती में होता है, तो वो जहां पर स्ट्रॉन्ग होगा तो यहां पर स्लो हो जाएगा, जहां तक बढ़ेगा वो स्लो होता चला जाएगा, ठीक है, तो ये ज्यादा नहीं देगा। स्नो स्ट्रॉम जो ये भी ऐसे वोल्केनिक इरप्शन है, कहीं कहीं पर होगा, मान लो कि जहां पर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है उस जगह पे पॉपुलेशन कुछ ज्यादा खास है ही नहीं, जब आप पॉपुलेशन ज्यादा खास नहीं होगी तो वहां पर जो ह्यूमन डिजास्टर है वो कम होगा। लेकिन जब सुनामी आएगी, सुनामी हमेशा कोस्टल एरिया के पास आएगी, और कोस्टल एरिया जो होता है उस एरिया पे मैक्सिमम आबादी बसी होती है, बहुत आबादी बसी होती है कोस्टल एरिया पे, ठीक है, और जहां सुनामी था आपको पता ही होगा इंडिया में सुनामी कब आई थी, बताइए इंडिया में सुनामी कब आई थी, नहीं 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 देखो कोस्टल एरिया में इफेक्ट नहीं, सुनामी जैसा एक मंजर है जिसको कह सकते हैं पूरी तरह तबाही करेगा कोस्टल एरिया से उसका प्रभाव। अब देखो सुनो कि मान लो कोई, जैसे मान लो हम इंडिया का ये एरिया लेते हैं कोस्टल एरिया, ये निचला एरिया ले लिया हमने, ठीक है, इंडिया का ये सारा सारा एरिया कोस्टल एरिया है इंडिया का, ठीक। अब एक बात समझो कि अगर मान लो सुनामी आती है, यहां कोई सुनामी आ जाए इस तरफ से, ठीक है, तो यहां पर इंडिया में जो रिवर बह रही है, जो इंडिया में रिवर है, इस सुनामी से उनका वाटर फ्लो बढ़ जाएगा, उनका वाटर फ्लो बढ़ जाएगा और वहां के आसपास के एरिया में भी बाढ़ आ सकती है, समझ रहे हो,
तो उससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक डिजास्टर हो सकता है, बहुत ह्यूमन डिजास्टर ज्यादा बढ़ सकता है। अभी आप देखना, जैसा अभी आपने हाल ही में देखा था असम में, और आपका बिहार में, असम और बिहार इन दो जगह पे अभी क्या देखा था आपने कि बहुत ज्यादा मात्रा में सुनामी आई थी, मतलब सुनामी तो नहीं बोलूंगा, सॉरी बाढ़ आई थी, ठीक है, ड्रॉट वाली कंडीशन वहां पर होगी, फ्लड आ गया था। तो ये जहां पे फ्लड आया था, इस फ्लड में क्या हुआ कि बहुत सारे जगह मतलब नदी में पानी बढ़ गया, ठीक है, यही तो हुआ था ना। तो सुनामी आएगी तो नदी में पानी बढ़ेगा, ठीक है, तो उससे और प्रॉब्लम होती है। डिजिटल इन्फॉर्मेशन का इस बार यही आंसर है, लास्ट टाइम सर ने कंफ्यूज किया था। अच्छा समझ गए है कि मैं तो यार 2004 बोल के कंफ्यूज कर दिया था भाई, मेरा काम है कंफ्यूज करना, क्योंकि मान लो आप एग्जाम में गए और एग्जाम में क्या हुआ, उन्होंने ऐसे कर दिया कि 2004, 2005, 2006 और 2007, ये ऐसे चार वो बड़े फेवरेट होते हैं, आसपास के ईयर देना बड़ा फेवरेट होता है एग्जामिनर का, उन्होंने ऐसे दे दिया, फिर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पर। तो इसके लिए मैं अभी सोचा यहीं पर कंफ्यूज कर देता हूं, इसलिए मैं, ठीक है ठीक है, बार फाइनल है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है 43 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर नेचुरल हजार्ड मिटिगेशन। ऑप्शन ए इंटरनेशनल एड, बी टाइमली वार्निंग सिस्टम, सी रिहैबिलिटेशन, डी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बताइए। Which one of the following is appropriate for natural hazard mitigation? क्या होना चाहिए? Okay, डिजिटल इंफॉर्मेशन कह रहे हैं बी, नो आइडिया, एवा बेरा कह रहे हैं बी, हसुवास बोरकोटकोटी कह रहे हैं बी, ठीक है, जिसको आइडिया नहीं कोई बात नहीं, इसको थोड़ा एलिमिनेट करके देखते हैं इस क्वेश्चन को ना। अभी देखो जैसे किसी ने बोला कि आइडिया नहीं है, साक्षी ने बोला डी, ठीक है, इसको एलिमिनेट मेथड से कराता हूँ आपको, देखो आप अच्छे से समझोगे। सबसे पहली बात तो देखो, जब नेचुरल हजार्ड्स की बात आएगी, ठीक है, इस पर समझ लो इसमें क्या होगा कि अगर मान लो हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करते हैं तो कम्युनिटी बहुत छोटी छोटी भी होती है, ठीक है, मान लो कम्युनिटी क्या होती है, सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी में रहने वाली, उसको आप कम्युनिटी में भी डेवलप कर सकते हो कि सोसाइटी है या वैसा कुछ है, कल्चरल है, कल्चरल कम्युनिटी हो सकती है। तो कम्युनिटी से आप सभी को तो इंटीमेट नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इतनी जल्दी कंसिडर नहीं करते इसमें, ठीक है, होगा ही नहीं इतनी जल्दी, क्या कम्युनिटी से होगा ही नहीं। अब मान लो पूरे इंडिया में प्रॉब्लम आ रही है, इंडिया में, अब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी कैसे बताएगी? कई बार हो सकता है कि दो कम्युनिटी आपने बात ना करें, लाइक जैसा चलता रहा हिंदू और मुस्लिम, चलता था, ठीक है, दंगा, तो मान लो एक जगह दो कम्युनिटी आ रही है और उनका आपस में झगड़ा चल रहा है, तो कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम को बताएगी नहीं कुछ और मुस्लिम हिंदू को कुछ नहीं बताएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में कभी नहीं आएगा। एक है रिहैबिलिटेशन, भाई जो आपका हजार्ड्स है वो तो वही नहीं, तो रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या है? रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाते रहो, आए या ना आए, तो उससे मतलब नहीं है। मान लो हमने बनाया 1000 लोगों की कैपेसिटी वाला सेंटर, एक बना दिया, लेकिन पता लगा 1,00,000 लोग इफेक्टेड हो गए उससे, फिर क्या करोगे? फिर तो कम पड़ गया जगह, ठीक। अब एक है इंटरनेशनल एड, इंटरनेशनल लेवल पे तभी पहले आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगे ना, तब तो आप इंटरनेशनल लेवल की बात समझोगे कि इंटरनेशनल लेवल पूछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन पहले खत्म कर दिया हमने, तो सी वाला तुम्हारा भी गया, तो इंटरनेशनल एड भी खत्म होगा, क्योंकि इंटरनेशनल में क्या करोगे? सबसे पहले क्या होता है, टाइमली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए कि जैसे ही कुछ आ रहा है तो उसका टाइमली सबको वार्निंग मिल जाए, कि हाँ ये चीज होने वाली है, बचा लो। जैसे अभी हुआ कोरोना, लाइक आपका एक सौ एग्जाम्पल, हालांकि थोड़ा हटके एग्जाम्पल, लेकिन कोरोना, तो क्या टाइमली अगर कोरोना का इन्फॉर्मेशन मिले तो बच सकते हैं लोग बाग, यही हो रहा है ना। फिर उसके बाद लॉकडाउन सारी फैसिलिटीज मतलब होता है। अब जैसे एक चीज आ चल रही है इस टाइम पर, बर्ड फ्लू चल रहा है ना, तो बर्ड फ्लू में आप क्या हो रहा है, बर्ड फ्लू में कि आपको टाइमली इन्फॉर्म कर दिया गया, तो टाइमली वार्निंग सिस्टम है एक प्रकार से, कि आपको वार्निंग दे दी कि आप चिकन मत खाओ वरना आप बर्ड फ्लू का शिकार बन सकते हो, ठीक है। तो ये सिस्टम आता है, तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस बार किस किस का बी सही निकला? 1, 2, 3, 4, 4 लोगों ने सही आंसर दिया बी। ओके चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 44 नंबर, स्लम्स इन मेट्रो सिटी आर द रिजल्ट ऑफ। ऑप्शन है रूरल टू अर्बन मिटिगेशन,
सॉरी माइग्रेशन, बी पॉवर्टी ऑफ द सिटी स्केप्स, सी लैक ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, या डी अर्बन गवर्नेंस। बताइए स्लम्स इन मेट्रो सिटीज आर द रिजल्ट ऑफ। ओके डिजिटल कह रहे हैं, ए एवाबेरा कह रहे हैं, ए हसुवास कह रहे हैं, बी आयुष शर्मा कह रहे हैं, सी। ओके काफ़ी सारे आंसर्स हमें मिल गए हैं, इसको अभी हम एलिमिनेशन करके दिखाएंगे। ऐसे नहीं छोड़ने वाले। मोहम्मद अल्फिजानी कह रहे हैं ए, साक्षी कह रही हैं ए। चलिए देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को, हैं क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए मेरे पास, तो देखना तो बनता है। देखो सबसे पहली बात करते हैं कि अर्बन गवर्नेंस की। अब अर्बन गवर्नेंस कुछ जमेगी नहीं, क्योंकि अगर गवर्नेंस अच्छी है तो स्लम्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। गवर्नेंस अच्छी है तो स्लम्स का सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर तो किसी को स्लम्स रहने देंगे। किड्स चैनल सर, व्हाट टाइम यू विल टीच टॉपिक इन द क्लास? ओके एवरी ऑल्टरनेट डे 9:30 to 10:30 PM। ओके डेली नो सॉरी एवरी ऑल्टरनेट डे, यानी कि आज क्या तो फिर अब डे आफ्टर टुमारो हम होंगे, ठीक है बिल्कुल। ओके कीर्ति, तो यानी कि ऑल्टरनेट डे पे मिलते हैं हम लोग हमेशा, ठीक। चलिए और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखा कितने अच्छे बच्चे हैं, डिजिटल इन्फॉर्मेंट आयुषु सब ने इन्फॉर्म कर दिया, बहुत बढ़िया, यही तो अच्छा ही लगती है। देखो अब अर्बन से क्या समझा आप कि अर्बन गवर्नेंस जो होगी वो अगर अच्छी होगी तो स्लम्स तो वहाँ पे होंगे नहीं, क्योंकि वो तो सबको जगह दे देगी रहने के लिए, वहाँ पे फ्लैट डेवलप करेगी, सोसाइटी डेवलप करेगी जिससे कि लोग रह सके, झुग्गी झोपड़ी बना रहे। ओके तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, ठीक। एक है लैक ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर लैक ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो भैया फिर लोग क्यों आएंगे? क्वेश्चन बोले लोग क्यों आएंगे, लोग कब आते हैं गांव से शहरों में? कब आते हैं? तब आते हैं ना जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अगर कम होगा तो क्यों आएंगे। एक प्रकार से लास्ट 4-5 days ओनली पार्टिसिपेट क्लास, नॉट एनी टॉपिक यू विल टीच। नहीं, हमने ऑलरेडी टॉपिक भी पढ़ाए हैं कीर्ति, हमने ऑलरेडी कम्युनिकेशन ये टॉपिक डिस्कस किया है। हाँ लास्ट 4-5 days से हम लोग प्रैक्टिस सेट ही कर रहे हैं, और इससे पहले हमने कुछ क्या कहते हैं एक आपका कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा दिया है, और भी चीज़ें हमने पढ़ा दी हैं, ठीक। तो उनको आप जाकर के प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। इसके बाद है पॉवर्टी ऑफ द सिटी स्केप्स, तो उतना जमता नहीं पॉवर्टी ऑफ द सिटी स्केप्स। अगर शहरों की गरीबी को आप देखोगे तो फिर वो तो फिर दिखेगी ना, उसको छुपाने का क्या फ़ायदा, ठीक है ना, तो इसको भी नहीं। तो बचा क्या, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। सीधी सी बात है, स्लम्स कब बढ़ता है? जब रूरल एरिया से गांव से शहरों की तरफ लोग आते हैं, और जब माइग्रेशन होगा शहरों की तरफ, तो ये जरूरी नहीं है देखो शहरों में आकर रहना, घर लेना, एक घर होता है ना, घर लेने बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो स्लम्स में कन्वर्ट हो चलाते हैं, जगह जगह जहां जगह मिलती है वो अपनी झोपड़ी डाल लेते हैं, और फिर इस्लामाइजेशन शुरू हो जाता है एक प्रकार से। ओके चलो क्लियर हुआ, तो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट। बड़े आगे कीर्ति चौहान वेलकम। चलिए 45 नंबर है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड इज फाउंड इन। बताइए ऑप्शन ए थार डेजर्ट ऑफ इंडिया, बी कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, टेम्परेट फॉरेस्ट इन हिमालय या तराई जोन ऑफ द हिमालयन फुट। बताइए फटाफट, 1 मिनट का टाइम है, ओनली 1 मिनट में आंसर कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है बर्ड जो है ये ऑलरेडी अभी 1 साल से न्यूज में भी है, ठीक है, फिर से 1 साल से न्यूज में है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसी के अंदर मैं एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूँ सेम। ओके मोहम्मद अल्फदानी कह रहे हैं बी, आयशु कह रहे हैं बी,
और कह रहे हैं मे बी सी, ओके मे बी आ गया। ये मे बी शब्द बहुत मस्त शब्द है ना। साक्षी तिवारी कह रही हैं ए, ओके थार डेजर्ट ऑफ इंडिया। लाइफ साइंस क्लास टाइमिंग क्या है? अरे कंप्यूटर बना, कंप्यूटर साइंस पूछ रहे हो आप? श्रद्धा श्री, वाह क्या शॉर्टकट है, लाइव कंप्यूटर साइंस क्लास टाइमिंग क्या है, वाह क्या बात है। हाँ टाइमिंग तो डिफरेंट डिफरेंट है, मेरी टाइमिंग 9:30 to 10 PM है, 10:30 PM, ठीक है मेरी तो यही है, और एवरी ऑल्टरनेट डे। हाँ तो चलो देखते हैं, तो पहले समझ लो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर बात करें। चलो एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक और क्वेश्चन का जवाब दो मुझे कि ये किस स्टेट की स्टेट बर्ड है, स्टेट बर्ड है किस स्टेट की स्टेट बर्ड है बताइए। बस ये अगर आपको पता होगा तो आप इसका आंसर दे पाओगे। फिर किस स्टेट की स्टेट बर्ड है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बताइए, किस स्टेट की स्टेट बर्ड है ये? डिजिटल इन्फोर्टमेंट कह रहे हैं राजस्थान, और बहुत खुश हो कह रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं यार क्या बात हो गई, राजस्थान तो बोला यार है? मतलब बहुत खुश है राजस्थान बोल करके। देखो बिल्कुल सही आंसर दिया इन्होंने, ये राजस्थान की ही स्टेट बर्ड है। आप एक बात सोचिए, जैसे ऑप्शन आ रहे हैं बी बी मे बी सी, सर नहीं पता, राजस्थान की है। अब देखो ऐसे लगा लो इसको, तराई जोन ऑफ द हिमालय, तो राजस्थान में हिमालयन एरिया तो नहीं मिलता है, ठीक है। और तराई जोन क्या होता है, जो हिमालय, जो आपका ऐसा हिमालय के पहाड़ है ना, हिमालय जो पहाड़ होते हैं, हिमालय जो पहाड़ होते हैं, ये इनका जो नीचे वाला बिल्कुल नीचे वाला एरिया होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं तराई जोन, ठीक है इसको बोलते हैं तराई जोन, बिल्कुल ये वाला नीचे वाला एरिया, ओके। और इसके बाद तो ये वाला ऑप्शन कट गया। अब इसका देखो टेम्परेट जोन इन हिमालय, तो हिमालय के जो टेम्परेट जोन होगा उसमें भी नहीं मिल सकती क्योंकि राजस्थान की है। दो बचा एक, तो अब एक कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, तो राजस्थान में कोई कोस्टल रीजन तो है नहीं, ठीक है राजस्थान में कोई कोस्टल रीजन तो है ही नहीं, तो कोस्टल रीजन तो इसका नहीं आएगा, ओके राजस्थान में कोई कोस्टल रीजन नहीं है तो ये वाला इसका नहीं आएगा, ये भी खत्म। तो बचा थार डेजर्ट ऑफ इंडिया, थार डेजर्ट इसका सही आंसर आएगा, गॉट इट। कुछ क्या कह रहे हैं, क्योंकि सर स्टेट जब बोले पता चल गया मेरा आंसर होगा। अच्छा, ओके आइडिया लगा लिया था, थार तो डेजर्ट है तो राजस्थान का है और बहुत ही खास पक्षी है, ठीक है। अभी ये ऑलरेडी IUCN की रेड लिस्ट में भी आ गया था, रेड जोन लिस्ट में आ गया था ये, ध्यान रखना ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में आया हुआ है, ओके तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 46, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट फॉर सर्विंग द एजुकेशनल सेक्टर इज नोन एज, स्टेट सेड्यू, इनसेट बी, इड्यूसेट या इनसेट सी बताइए। वन मिनट है, डिजिटल कह रहे हैं बी, तबरेज अजाज कह रहे हैं डी, आयशु कह रहे हैं ए, साक्षी कह रही है बी, मोहम्मद अलफजानी कह रहे हैं बी, इनसेट बी ज्यादातर लोग इसके फेवर में जा रहे हैं। साक्षी कह रही है सी, साक्षी ने आंसर बदला, वाओ पलटी। अगर आपको थोड़ा भी याद हो, इस जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराए थे ऑलरेडी, प्रैक्टिस सेट ठीक है ना, उसमें ये क्वेश्चन से मैं डिस्कस कर चुका हूं, याद है आपको।
और उसके बावजूद मैं हैरान हूँ कि डिजिटल इन्फोर्टमेंट ने भी गलत आंसर दिया। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, हालांकि साक्षी ने अपना आंसर पलट लिया, होशियारी दिखाई है। अब ये यही जाने कि इनको याद आया है या एम ही पलटा है। ठीक है, तो इड्यू सेट इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें तो गलत करने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि आप गलत करो, इससे तो ओके होना चाहिए वाला आंसर। तो गॉट इट। याद आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, बताओ अगला क्वेश्चन। 47 नंबर, एक्सक्लूसिव एजुकेशनल चैनल ऑफ इग्नू इज नोन एज। ऑप्शन ए ज्ञान दर्शन, सी सियान वाणी, बी दूरदर्शन, सॉरी सी दूरदर्शन, और डी है प्रसार भारती। बताइए 47 का डिजिटल इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं, ए रामेश्वर कह रहे हैं, ए आयुष शर्मा कह रहे हैं, ए ओके, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि 100% ए। ठीक है, ज्ञान दर्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, द हेडक्वार्टर ऑफ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन ए सेवाग्राम, बी न्यू दिल्ली, डी वर्धा या सी वर्धा, और डी है अहमदाबाद। बताइए, 1 मिनट का टाइम है ओनली। द हेडक्वार्टर ऑफ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इज सिचुएटेड इन। ओके, डिटेल इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं नो आइडिया, साक्षी कह रही है सी वर्धा, और मोहम्मद अल्फजानी कह रहे हैं बी न्यू दिल्ली। ओके, एक आंसर ये, एक आंसर ये, और कोई? और देखो ये डिजिटल इन्फोर्टमेंट ने बहुत अच्छा तरीका है, ये कुछ स्टूडेंट सही हैं, जैसे साक्षी हैं डिजिटल इन्फोर्मेंट, और एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो सही हैं, जो सीधे लिख देते हैं नो आइडिया, क्योंकि क्वेश्चन को स्किप करना भी एक बेटर तरीका होता है। ठीक है ना, स्किप भी किया जाता है क्वेश्चन को। साक्षी ने आंसर बदला, सॉरी महाराष्ट्र लिखा साक्षी ने, वर्धा का महाराष्ट्र। तबरेज अजाज कह रहे हैं वर्धा। ओके, ओके, तो वर्धा इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट, वर्धा आंसर सही है इन महाराष्ट्र। ठीक है, वर्धा आंसर सही है, एकदम महाराष्ट्र में वर्धा है। ठीक, तो महात्मा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वहीं पे बनवाया था, हेडक्वार्टर उसका वहीं है। नहीं नहीं डी नहीं है, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। साक्षी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया सबसे पहले, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, दोनों लिस्टें हैं आपको मैच करनी है, दोनों लिस्टें, एक है इंस्टीट्यूट और एक है लोकेशन आपकी। तो देख लो, पहले है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, ग्रामोद्या विश्वविद्यालय, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हायर तिब्बतन स्टडीज और इग्नू। ठीक, और यहाँ पे है आपका ये चित्रकूट एंड फॉरेन लैंग्वेज, हैदराबाद, न्यू दिल्ली और धर्मशाला। तो बताइए कोई मिला सकता है इसको?
शारदा श्री कह रही हैं ए, रामेश्वर कह रहे हैं डी। अगर इसमें से आपको एक या दो भी पता होगा तो आप करेक्टली मैच कर पाओगे, कोई भी एक या दो पता हो तो। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, कोई भी टफ क्वेश्चन इसको नहीं कह सकते हम। ज़्यादातर लोग डी डी के साथ जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं और इसको इजी करता हूँ, देखो ध्यान देखना। जैसे आपको मान लो, ओके देखो, ये जो इग्नू, सबको पता है कि इग्नू न्यू दिल्ली में है, करेक्ट? तो इसमें यानी कि डी का आपका थर्ड मिल गया यहाँ पर, थर्ड मिल गया, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए एलिमिनेट, इनको हटा दो अब, ठीक। और सारे के सारे डी डी कर रहे हैं, डी मार रहे हैं, तो देखो इसमें क्या कन्फ्यूजन है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन की बात हो रही है, तो ये आ गया आपका धर्मशाला, तो सी का 4 यहाँ पर भी है और सी का 4 यहाँ पर भी है, ठीक है। अभी भी एलिमिनेट नहीं कर, मतलब अभी भी इसमें दिक्कत है, क्योंकि 1 2 और 1 2 है। अब आपको कोई एक और पता होना चाहिए, ठीक है, कोई एक और आपको पता होना चाहिए। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ इंग्लिश की अगर बात करें तो ये आपका है आपका हैदराबाद में, ठीक है। और ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो बना है वो आपका चित्रकूट और फॉरेन लैंग्वेज बना है, ठीक। तो ए आंसर इज द करेक्ट, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश की बात जो हो रही है ये हैदराबाद में आपका। नो साउंड, मेरी आवाज अभी आप लोगों तक आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? साउंड इज क्लियर? ओके, ओके ठीक है। और आयुषु शर्मा को प्लीज आप कमेंट में लिखिए इनको कि साउंड तो क्लियर है, लेकिन ओके ठीक है। तो अभी आपने देखा कि ए इज द करेक्ट आंसर, ये निकल गया आपका आंसर। यहां पर ये दोनों ऑप्शन चूज करना इजी था, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन चूज करना इजी था, लेकिन इन दोनों में कन्फ्यूजन था, क्योंकि इन दोनों को आगे पीछे कर देता, हेर फेर कर देता है इसमें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 50 नंबर। द एम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज, तो ऑप्शन है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर ए वोकेशन अलोंग विद नॉलेज, कन्वर्टिंग लिबरल एजुकेशन इंटू वोकेशनल एजुकेशन, गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू वोकेशनल देन जनरल एजुकेशन, मेकिंग लिबरल एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड। बताइए आप प्लीज एक बार ईयरफोन को दोबारा से कनेक्ट कीजिए, या फिर एक बार दोबारा से इसको स्टार्ट कीजिए। फिफ्टी का ए, ओके। डिजिटल इन्फोर्टमेंट कह रहे हैं ए, रामेश्वर कह रहे हैं ए, साक्षी कह रही हैं ए, मोहम्मद अल्फजानी कह रहे हैं डी, मेकिंग लिबरल एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड। तबरेज कह रहे हैं सी, गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू वोकेशनल देन जनरल एजुकेशन। द एम ऑफ वोकेशनलाइजेशन, वोकेशनलाइजेशन का एम क्या था? चलो समझ लो, देखो प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर ए वोकेशनल अलोंग विद नॉलेज, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि नॉलेज जब आएगी जब वो, ठीक है, वोकेशन से कोई नॉलेज वॉलेज नहीं होती, नॉलेज इज नॉलेज ओनली, ठीक है। तो ऑप्शन ए को काट दो। बी, कन्वर्टिंग लिबरल एजुकेशन इंटू वोकेशनल एजुकेशन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वोकेशनलाइजेशन करना है, कोई कन्वर्ट करना है कि लिबरल एजुकेशन को, लिबरल एजुकेशन को आप ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसमें, तो ये कन्वर्टिंग का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू वोकेशनल देन जनरल एजुकेशन। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद शिकायत याद है, जब भी किसी शब्द के ऊपर जोर दोगे, यहां पे कह रहा मोर, तो मोर ऐसा शब्द को आप काट देना है आपको हमेशा, ठीक
ठीक है, मोर एनी मोर डाउट ओनली, ऐसे शब्द जो होते हैं वो सब गलत शब्द होते हैं, तो ये काट दो, गिविंग मोर कट गया, सिंपल सी बात है। ठीक, अबे मेकिंग लिबरल एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड, सीधी बात है, जॉब ओरिएंटेड होने की वजह से लिबरल एजुकेशन को वोकेशनलाइजेशन में डाला गया था। ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, समझ लो डी करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, वापस हम वन से शुरू कर रहे हैं दोबारा से। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है आज का, द टीचर्स हैज बीन ग्लोरिफाइड बाय द फेरेस्ट फ्रेंड्स फिलोसोफर एंड गाइड्स बिकॉज, ठीक है, फ्रेंड्स फिलोसोफर एंड गाइड बिकॉज, ऑप्शन है, ही हैज टू प्ले ऑल वाइटल रोल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, ही ट्रांसमिट द हाइयर वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी टू स्टूडेंट्स, ही इज द ग्रेट रिफॉर्म ऑफ द सोसाइटी, ही इज ए ग्रेट पैट्रियट। बताइए फटाफट, डिजिटल इन्फॉर्मेंट कह रहे हैं ए, ही हैज टू प्ले ऑल वाइटल रोल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, मोहम्मद अलफजानी कह रहे हैं ए, ओके, और कोई, साक्षी कह रही हैं बी, यूनिक आंसर साक्षी का बी। तबरेज कह रहे हैं ए, तो देखो कुछ ही लोगों ने आंसर दिया, बाकी सबने तो दिया नहीं है। ही हैज टू प्ले टू ऑल वाइटल रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, तो ऐसा कुछ नहीं, देखो जो टीचर होगा, ठीक है, जो आप टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो वो फ्रेंड्स होगा, फिलोसोफर होगा, गाइड करेगा आपको, किसको, स्टूडेंट्स को गाइड करता है वो। और यहाँ पे हर जगह पर ये दो जगह पर सोसाइटी आ रहा है, तो सोसाइटी से उसको कोई लेन देना नहीं है, वो स्टूडेंट को गाइड करेगा, स्टूडेंट अपनी सोसाइटी खुद बनाएंगे उस हिसाब से। ठीक है, ही ट्रांसमिट द हाइयर वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, वो हाइयर वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी डेवलप करेगा किसमें, स्टूडेंट में, ठीक है, उसके बाद ही वो कहेगा कि हाँ भाई उनने कुछ अच्छा बनाया, क्योंकि वो स्टूडेंट के में फ्रेंड्स फ्रेंडली बिहेवियर रखेगा, एक फिलोसोफर बनेगा उनके लिए, गाइडेंस उनको प्रोवाइड कराएगा, तो वो सब उसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर फॉर टीचर लाई इन द एरिया ऑफ, ऑप्शन ए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ऑप्शन बी लैक ऑफ कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, बी वर्बल एबिलिटी, डी स्ट्रिक्ट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट। डिजिटल इंफोटेनमेंट कह रहे हैं बी, और कोई, साक्षी कह रहे हैं बी, मोहम्मद कह रहे हैं ए, मनीषा कह रही हैं बी। आमेश्वरम कह रहे हैं ए। देखो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टीचर के फेलियर के लिए नहीं होता है, रिलेशनशिप इज द रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो सकती है, कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक है, और एक तरह से आप किसी को अच्छी तरह गाइड कर सकते हो, जज कर सकते हो, कोई पर भरोसा करते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे लैक ऑफ कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, अगर आपके पास सब्जेक्ट के ऊपर कोई कमांड नहीं होगी, नॉलेज ही नहीं होगी, तो आप पढ़ाओगे क्या। मेन बात है कि सब्जेक्ट के ऊपर आपके पास कमांड होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जब जरूरत पड़े,
जब जरूरत पड़े तो आप उस किसी भी मतलब टॉपिक को आप जो कर रहे हो उसको डीपली स्टडी करा सको, एकदम डीप में उसके जा सको, ठीक है, अगर जरूरत पड़े, ठीक। तो ये करेक्ट आंसर है बी। ओके चलो देखें अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है ए टीचर कैन एस्टैब्लिश रैपोर्ट विद हिज स्टूडेंट बॉय। सॉरी बॉय बोल दिया ना, बाय है वो। बी मिसगाइड ऑलवेज इफेक्ट द स्टूडेंट्स। बिल्कुल, ए टीचर कैन एस्टैब्लिश रैपोर्ट विद हिज स्टूडेंट बाय, ऑप्शन ए बिकमिंग ए फिगर ऑफ अथॉरिटी, इंप्रेसिंग स्टूडेंट विद नॉलेज एंड स्किल्स, प्लेइंग द रोल ऑफ ए गाइड, बिकमिंग ए फ्रेंड टू द स्टूडेंट्स। रैपोर्ट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि एक तरह से मतलब विश्वास टाइप का, मतलब उसमें इसको हम कैसे, एक हिंदी शब्द इसका मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ रुकिए सोच करके, ठीक है ना, मेरे को प्रॉपर हिंदी शब्द इसका याद नहीं आ रहा। इसको आप लाइक एक रेपुटेशन के तरह से समझ सकते हो, ठीक है, विश्वास, नॉलेजेबल विश्वास, ठीक है, एक रेपुटेशन तरह से भी समझ सकते हो आप। हाँ बिल्कुल, जैसे साक्षी ने लिखा है क्लोज एंड हारमोनियस रिलेशनशिप, ठीक है, क्लोज एंड हारमोनियस रिलेशनशिप की बात भी हो रही है, तो रिपोर्ट का मतलब वो भी हो सकता है, ठीक है ना, कि एक विश्वास की तरह से, कि एक विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, हाँ लाइक ट्रस्ट, इसको कह सकते हो आप ट्रस्ट की तरह, ठीक है। तो बताइए सही आंसर क्या है। सी सी ज्यादातर लोग मारे हैं, प्लेइंग द रोल ऑफ ए गाइड, जबकि देखो इसमें क्या है, इम्प्रेसिंग स्टूडेंट विद नॉलेज एंड स्किल्स, सही आंसर ये रहेगा, ठीक है, कि जो टीचर होगा वो इम्प्रेस करेगा नॉलेज और स्किल के द्वारा स्टूडेंट को। प्लेइंग ए रोल ऑफ ए गाइड, कोई गाइड वो बन जाए, मान लो वो गाइड बन के बता रहा कि ये कर लो वो कर लो, इतना पढ़ो उतना पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो 6 घंटे पढ़ो, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, वो बता रहा है, वो एक अलग पार्ट है, ठीक है, वो एक अलग पार्ट है कि वो गाइड बनकर आपको बता रहा है, लेकिन उसके पास में वो नॉलेज भी होनी चाहिए, जो बता रहा है उसके पास में खुद भी उसने फॉलो किया हो, की हो उसने चीज़, ठीक है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है हमेशा। तो बी आंसर सही है और मनीषा का आंसर ही सही आया है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एजुकेशन इज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ, चलिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन या ऑल द एबव। साक्षी कह रही है डी। ओके ज्यादातर लोग डी कह रहे हैं, रामेश्वर भी डी कह रहे हैं, डिजिटल भी कह रहे हैं डी। एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ, माही मनीषा भी कह रही है डी। ठीक है, किसी का और तो आंसर आने जाए तो डी इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट डी सही आंसर है, ऑल द एबव करेक्ट है। अगले ऑप्शन देख रहे हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन, टीचर्स मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट इज इफेक्टेड थ्रू, ऑप्शन ए कॉन्स्टेंट फुलफिलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स नीड्स, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज,
सेंसिटिव टू स्टूडेंट्स नीड्स गोल्स एंड पर्पसेस, या डी स्ट्रिक्ट री इन्फोर्समेंट ऑफ अकेडमिक स्टैंडर्ड्स, बताइए। ओके डिजिटल इन्फॉर्मेट करें, सी सेंसिटिव टू स्टूडेंट नीड्स गोल्स एंड पर्पस, साक्षी कह रही है सी रामेश्वर कह रहे हैं बी स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज, मोहम्मद अल्फजानी कह रहे हैं सी, तो देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज़, तो ऐसा कुछ नहीं कि स्ट्रिक्टली कंट्रोल करो क्लासरूम एक्टिविटीज़ को तो कुछ करेगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ये सही है सेंसिटिविटी और सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स नीड गोल्स एंड पर्पस, ठीक है सेंसिटिव होना चाहिए, तो ये आंसर एकदम सही है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके तो एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद बाइंड अप करेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन आपके सामने है, रिसर्च प्रॉब्लम इज सिलेक्टेड फॉर द स्टैंड पॉइंट ऑफ, ऑप्शन ए रिसर्चर्स इंटरेस्ट, फाइनल सपोर्ट, सोशल रिलेवेंस या अवेबिलिटी ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर, बताइए। रिसर्च प्रॉब्लम इज सिलेक्टेड फॉर्म फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ, ओके डिजिटल इन्फॉर्मेंट कह रहे हैं डी, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ रेलिवेंट लिटरेचर, रामेश्वर कह रहे हैं बी, साक्षी कह रहे हैं डी, आयशु कह रहे हैं ए, मोहम्मद अल्फजानी कह रहे हैं ए, ओके शारदा श्री कह रहे हैं डी, सोचिए सोचिए, तो देखें आंसर फिर सही बताइए फटाफट सही आंसर देखें। आयुषु शर्मा कह रही हैं डी, एक और आंसर आया सही आंसर देखने से पहले, चलो इसका सही आंसर देखते ही हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले रिसर्चर प्रॉब्लम्स की बात के इज सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ, ठीक तो कुछ लोगों ने बोला ए, यानी कि रिसर्चर्स इंटरेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, जहां पर रिसर्चर्स का इंटरेस्ट होगा तो जरूर थोड़ी प्रॉब्लम ही वहीं पर होगी या प्रॉब्लम ही सिलेक्ट करोगे, तो इंटरेस्ट वाली कोई बात नहीं आती, रिसर्च अगर बोल दिया गया इस पे करो तो इस पे करो यार, ठीक तो रिसर्चर का इंटरेस्ट जो होता है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, हटा दो ए वालों का, तो हट गया सबका। बी देख लेते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, तो बी कुछ लोगों ने सिलेक्ट किया कि फाइनेंशियल सपोर्ट हो, तो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं होती, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट ना भी मिले तो भी रिसर्चर प्रॉब्लम इज सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड ऑफ, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा तभी आप सिलेक्ट करोगे क्या प्रॉब्लम्स को, तो फाइनेंशियल सपोर्ट जैसी बात नहीं होती है। आप देखो ये बचे दो ऑप्शन 50-50, हम आगे 50-50 पर, कई बार आप 50-50 पाए हो, ठीक है। अब जिन लोगों ने डी बोला है तो कॉन्ग्रेचुलेशन डी वालों कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भी गलत हो, ठीक है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ रेलिवेंट लिटरेचर अगर ऑलरेडी अवेलेबल है वो, तो फिर रिसर्च की बात क्या आती है, रिसर्च की फिर बात ही क्या आएगी बताओ। शिवराज एम
अचानक आए हो और ना आते सही आंसर देते सी, क्योंकि एक ने भी सही आंसर नहीं दिया, एक ने भी सी नहीं बोला। सोशल रिलेवेंस इज द करेक्ट आंसर, रिसर्चर प्रॉब्लम के लिए सोशल रिलेवेंस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सी डी बी ऑप्शन कट गया आपका, डी बी ऑप्शन कट गया आपका। ठीक, हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी हंसी आई ना जैसे मैंने बोला कंग्रेचुलेशन, सबको लगा वाह डी वाले तो करेक्ट हैं, और डी वाले एकदम खुश, खुशी की लहर दौड़ गई थी डी वालों में कि भाई वाह हम तो सही हो गए हैं, बाकी सब तो गलत हो गए। और बाय डिफॉल्ट ये शिवराज जो हैं, शिवराज इन्होंने आते ही सही आंसर दे दिया, मेरे को लगा था कि इस क्वेश्चन का आंसर कोई सही देगा ही नहीं, और सही आंसर सी ही है, इन्होंने सही आंसर आते ही दे दिया। ठीक है, तो मज़ा आया, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद फिर हम डे आफ्टर टुमारो मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है, सेम पैटर्न लेकर के हम मिलेंगे और सेम टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, सॉरी क्वेश्चन सेम नहीं होंगे, क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, बीच में कोई एक पुराना क्वेश्चन उठाकर डाल दूंगा अगर मन किया मेरी इच्छा हुई तो। ओके, तो फिर ठीक है, हैप्पी हॉलीडे, हैप्पी हॉलीडे टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।